ग्यारहवीं की लेखा शास्त्री क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। लेखांकन के सिद्धांत, इसके विषय में आपने पढ़ा, पहले लेखांकन की विशेषताएं देखी, लेखांकन की अवधारणाएं देखी। अब लेखांकन के सिद्धांत में आप देखोगे लेखांकन प्रभावों के निर्धारण के होने वाले दो लाभ। तो इसके क्या लाभ है? तो लेखांकन के निर्धारण में होने वाले दो लाभ, लेखांकन प्रभावों को निर्धारण करने के दो लाभ को समझाइए। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं। फिर है, पहला है कठिनाइयों को दूर करना। तो लेखांकन प्रभावों के मतलब जो लाभ है उनमें सबसे पहला जो है लेखांकन प्रभाव की पद्धति के द्वारा, लेखांकन प्रभाव की जो पद्धति है उसके द्वारा कठिनाइयों को भिन्नता से दूर करने में अंतरराष्ट्रीय प्रबंध का स्वरूप देने के लिए भी क्या होता है, लाभदायक होता है। दूसरा है एकरूपता लाने में सहायक, किसी भी लेखांकन में एकरूपता लाने में क्या होते हैं, यह प्रभाव पद्धति विश्व के विभिन्न भागों में कार्यरत संस्थाओं द्वारा वित्तीय विवरणों के स्वरूप में एकरूपता लाने के लिए क्या होते हैं, सहायक होते हैं। लेखांकन प्रभाव के निर्धारण में तुलनात्मक प्रदानता, तुलनात्मकता जो प्रदान करता है, तुलनात्मक किसी भी लेखांकन प्रमाण के द्वारा अपनाई जाने वाली नीति में भिन्नता होने के कारण लेखांकन सूचनाएं समरूप व तुलनात्मक नहीं होती। तो लेखांकन प्रमाण है के द्वारा अपनाई जाने वाली जो नीतियां होती हैं वह कैसी होती है, भिन्न भिन्न अलग अलग होती है, उसे एक रूप या समरूप या तुलनात्मक नहीं होती। लेखांकन प्रभाव की सूचनाओं के स्वरूप बनाने के लिए दिशा निर्देश भी प्रदान करते हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय विवरणों को तुलनात्मकता प्रदान करते हैं। तो ये लेखांकन प्रभाव की क्या है, लाभ है। पहला है कठिनाइयों को, जो लेखांकन प्रभाव में हो गया है कठिनाइयों को दूर करता है। दूसरा उसमें एक तलाने में सहायक होता है। और तीसरा ये तुलनात्मकता प्रदान करते हैं। फिर लेखांकन प्रभावों के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क, जो लेखांकन प्रभाव है उनके निर्धारण के लिए जो विपक्ष में विभिन्न लेखांकन संबंधी समस्याओं को अपने अपने मतलब उनके अपने अपने गुण और दोष होते हैं, उनमें कैसे मतलब जो समाधानों को अपनाना है या ना अपनाना परिस्थितियों पे क्या करता है, निर्भर करता है। तो सबसे पहले है व्यवहारों के चुनाव की स्वतंत्रता में प्रतिबंध। तो लेखांकन संबंधी जो समस्याएं होती है वह अपने अपने गुण दोष द्वारा उनको अपनाना है, उनके समाधानों को अपनाना है या ना अपनाना है, ये काय पर लेखांकन की परिस्थितियों पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। कोई एक ही समाधान समस्या का निवारण करना उचित नहीं कहा जा सकता। कोई भी जो समाधान है वह समस्या का निवारण है उसका करना उचित नहीं कहा जा सकता। किसी समाधान पर जोर देना अनुचित प्रधान प्रतिबंध होता है। कोई भी समस्या और समाधान में जोर देना अनुचित प्रतिबंध होगा। वहां पर अलग अलग परिस्थितियां और अलग अलग लेखांकन व्यवहारों को अपनाने का अपना औचित्य है। जो लेखांकन के जो प्रमाप होते हैं उसमें अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, उसमें अलग अलग लेखांकनों और व्यवहारों को अपने मतलब अपनाने का अपना औचित्य है। और लेखांकन प्रमाप के निर्धारण में स्वतंत्रता समाप्त हो जाती, जो लेखांकन प्रमाप होते हैं उनके निर्धारण में स्वतंत्रता नहीं होती, हो जाती है। फिर है कानून के उल्लंघन में खतरा। लेखांकन प्रभाव जो होते हैं उनको निर्धारण प्रचलित कानून के नियमों में कोई होने मतलब उनका उल्लंघन होने में खतरा बना रहता है। और लेखांकन विधि स्वीकृत दी गई है, कोई भी लेखांकन प्रभाव देश में प्रचलित कानून के नियमों को जो दूसरा है कानून उल्लंघन का।
प्रणाली, तो लेखांकन में दोहरा लेखा प्रणाली का क्या आशय है? तो दोहरा लेखा प्रणाली जो व्यापारिक सौदे होते हैं उनके क्या होते हैं, कोई भी व्यापारिक जो सौदे होते हैं उनके दो पहलू होते हैं, दोनों पहलुओं का लेखा किया जाता है। इसमें एक प्रणाली को इस प्रकार, इस प्रणाली को दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। प्रत्येक व्यवहार का पक्ष पाने वाला, जो प्रत्येक व्यवहार होते हैं व्यापार में, जो व्यवहार का एक पक्ष पाने वाला और दूसरा पक्ष कैसा होता है, देने वाला, तो लेनदार और देनदार, तथा पुस्तकों में दोनों पक्षों का लेखा किया जाता है। जो लेखे बनाए जाते हैं उस पुस्तक में दोनों का क्या किया जाता है, लेखा किया जाता है। यह सर्वाधिक लोकप्रिय वैज्ञानिक प्रणाली है। मतलब जो दोहरा लेखा प्रणाली है वह कैसी प्रणाली है, सर्वाधिक प्रचलन में है और वह कैसी है, लोकप्रिय वैज्ञानिक प्रणाली है। यह प्रणाली पूरे विश्व में लेखांकन कार्य के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जो है दोहरा लेखा प्रणाली है, वह प्रणाली पूरे विश्व में लेखांकन कार्य के लिए प्रयोग में ली जाती है। तो दोहरा लेखा प्रणाली से तात्पर्य आशय यह है कि दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक व्यापारिक जो सौदे होते हैं, जैसे कि दो मतलब दो पहलू होते हैं, एक होता है एक पक्षकार लेनदार और दूसरा देने वाला, तो प्रत्येक व्यवहार का एक पक्ष पाने वाला और दूसरा पक्ष देने वाला, तो और ये दोनों पुस्तकों में क्या किया जाता है, दोनों को दोनों पक्षों में लेखे, इनका जो लेखा होता है वह दोनों पक्षों में किया जाता है। तो ये हो गया दोहरा लेखा प्रणाली। फिर दोहरा लेखा प्रणाली, हम नगद माल खरीदते हैं, मान लीजिए आपका एक उदाहरण है, जब हमने नगद माल खरीदा तो व्यवहार का प्रभाव दो खातों में पड़ता है, तो एक तो माल आना और दूसरा माल जाना। तो आपने कोई भी वस्तु खरीदी तो उसे क्या कहेंगे, माल आया, और आपने उसको बेची तो क्या कहेगा, दूसरा रोकड़ का जाना। इस प्रकार माल खाता और रोकड़ खाता प्रभावित होते हैं, जिसे हम चार्ट के द्वारा देखेंगे। तो दोहरा लेखा प्रणाली का जो चार्ट है उसमें आपने नगद माल खरीदा उसको फिर, तो एक बार उसका एक भाग हो जाएगा आपका माल का आना, जिसमें होगा स्टॉक में माल बढ़ जाएगा तो वह कौन से पक्ष में होगा, डेबिट पक्ष में होगा, और दूसरा रोकड़ का जाना, तो रोकड़ में कमी हो जाएगी तो वह कौन से पक्ष में जाएगी, क्रेडिट पक्ष में जाएगी। तो दोहरा लेखा प्रणाली के दो भाग है, माल का आना और माल का जाना। प्रत्येक सौदे के दो पक्ष होते हैं, डेबिट और पहला होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। तो जब भी आपको लेखा बनेगा तो उसके दो पक्ष होंगे, डेबिट मतलब माल बढ़ गया, माल आया, और माल गया तो वह खाते क्या जाए, माल गया तो रोकड़ में क्या हुई, कमी हुई, उसको किस पक्ष में लिखेंगे, क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। दोहरा लेखा प्रणाली को विभिन्न व्यवहारों और लेखा की तीन चरणों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, तीन चरण होते हैं। तो पहला होता है प्रारंभिक लेखा। प्रारंभिक लेखा सौदे को सबसे पहले जिन बारियों में लिखा जाता है, आपका जो सबसे पहले जो लेखा बनाया जाएगा तो उसमें लिखेंगे प्रारंभिक लेखा, उसके सहायक पुस्तक या लेखा प्रारंभिक लेखावाही भी कहते हैं। सौदे का लेखांकन बारियों को कैसे, आपको तिथि बार दिनांक के साथ, मतलब आप आज एक तारीख दो तारीख, ऐसे क्रमबद्ध सौदे को पूर्ण विवरण सहित क्या किया जाता है, लिखा जाता है या किया जाता है। लेखों के आधार पर ही वही खाते किए क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। और वाहियों के उपयोग में हम कई सूचियां, मतलब जो कई सूचनाएं होती हैं वह क्या होती हैं, अपन को तुरंत मिल जाती हैं। और लेखा कैसा करने में क्या है, लेखा करने की कैसी प्रणाली है, आधुनिक प्रणाली है। तो जो प्रारंभिक लेखा है उनमें तिथिवार सौदों का पूर्ण विवरण सहित क्या किया जाता है, उसको लिखा जाता है। और इसमें दोहरा
लेखा प्रणाली का आपने ये कौन सा चरण था, प्रथम चरण था प्रारंभिक लेखन। फिर उसके बाद है बच्चों वर्गीकरण या खाता बही। तो प्रारंभिक लेखों में लेखा करने के पश्चात प्रत्येक खाते में जो खाते बनाए जाते हैं, कोई भी खाता होता है, उसको व्यवहारों को छांटकर एक स्थान पर क्या करते हैं, लिखा जाता है। मतलब वर्गीकरण या खाता बही तो उनको एक स्थान पर क्या करते हैं, लिखते हैं। क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। मतलब जो भी प्रारंभिक लेखों में लेखन करने के पश्चात प्रत्येक खाते में सारी व्यवहारों की को छांटकर एक स्थान में जो लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्गीकरण। इस क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली में विभिन्न प्रकार के खातों को लिखने में पृथक मतलब अलग से वही खाता रखी जाती है। तो जो विभिन्न प्रकार के खाते बनेंगे आपके अलग अलग प्रकार के खातों में लिखने के लिए पृथक खाता वही भी रखी जाती है। और सौदों को प्रारंभिक लेखा वाहियों में लिखने के पश्चात उसको वही के आधार पर सौदा प्रभावित खातों में व्यवस्थित की जाती है और उसे क्या कहते हैं, उसे खतौनी कहते हैं। वही खाता वही में एक व्यापारी अपने किसी एक व्यापार को संपूर्ण मतलब जो है खाता वही होती है उसको एक व्यापारी अपने संपूर्ण व्यापार की क्या व्यवहार की क्या लिखता है, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फिर है सारांश या अंतिम खाते। दोहरा लेखा प्रणाली में अंतिम चरण का मुख्य उद्देश्य होता है परिणाम ज्ञात करना। कोई भी व्यापार का जो अंतिम खाता होता है सारांश या अंतिम खाता, तो दोहरा लेखा प्रणाली का जो सबसे अंतिम चरण होता है मुख्य उद्देश्य होता है कि परिणाम ज्ञात करना। तो उसके लिए उसको खाता वही की जो खाता वही होता है उसकी संपूर्ण जानकारी के आधार पर वित्तीय वर्ष के अंत में मतलब जो साल का पूरे साल का जो उसकी जानकारी होती है संपूर्ण जानकारी, तो वित्तीय वर्ष मतलब चालू वर्ष के अंत में व्यापारिक व्यवहारों को एक क्या करता है, जो व्यापारिक व्यवहार होती है उसका एक सारांश तैयार किया जाता है, उस सारांश को अंतिम खाता कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यापार एवं लाभ हानि खाता मतलब जो अंतिम वित्तीय वर्ष के अंत में जो खाते बनते हैं सारांश की बात उसे इसके अंतर्गत आपको व्यापार खाता हो गया, लाभ हानि खाता हो गया और चिट्ठा भी बनाया जाता है। तो ये आपका सारांश या अंतिम खाते कैसे बनते हैं, जो साल भर का जो पूरे वर्ष का वित्तीय आधार पर जो आपने व्यवहार थे उसे सारांश कहते हैं। इसके अंतर्गत आपको इसे सारांश या अंतिम खाता, इसके अंतर्गत आपको व्यापार का खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाया जाता है। फिर है लेखांकन और लेखा सिद्धांत में अंतर। लेखांकन सिद्धांत और लेखा सिद्धांत में क्या अंतर होता है, तो सबसे पहले देखेंगे कि लेखांकन सिद्धांत आधारभूत मौलिक होते हैं और लेखांकन प्रमाप ये विभिन्न संगठनों से अभिमत होते हैं। जो लेखांकन सिद्धांत होते हैं वह आधारभूत और कैसे होते हैं, मौलिक। और लेखांकन प्रमाप कैसे होते हैं, संगठन के अभिमत से होते हैं। और लेखांकन सिद्धांत इसमें संक्षिप्त एवं इन्हें संक्षिप्त एवं स्पष्ट किया जाता है और ये कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। जबकि लेखांकन प्रभाव कैसे होते हैं, विस्तार पूर्वक उसमें क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है और ये लचीले होते हैं। इसमें सामाजिक और व्यवहारिक जो लेखांकन सिद्धांत होते हैं वह सामाजिक व्यवसायिक क्षेत्र के लिए परिवर्तन के प्रति उत्तरदायी नहीं होते और ये स्थिरता लिए होते हैं। और लेखांकन प्रमाप जो होते हैं ये सामाजिक व्यवसायिक क्षेत्र में होने वाले मतलब जो परिवर्तन है उसके लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं और ये व्यवसायिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को कैसे क्या करते हैं, अनुरूप गतिशील होते हैं। तो ये आपने देखा लेखांकन सिद्धांत के प्रमाप, लेखांकन सिद्धांत और लेखांकन प्रमाप में अंतर। तो लेखांकन